हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, आपके सामने खड़ी है 2024 ऑल न्यू अपडेटेड यामा रिजर्ट आर 125 टेक्स वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। एंड काफी बढ़िया ब्लैक विथ गोल्डन कलर अलॉय व्हील्स कलर ऑप्शन खड़ा हुआ है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले इसमें न्यू अपडेट्स क्या हुए, फीचर्स क्या जाते हैं, प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरियंट, गाड़ी की माइलेज क्या है, पावर टॉक क्या मिलता है इंजन में, हर एक बार डिटेल में करने वाले हैं। चैनल पर नए तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बाइक से रिलेटेड, स्कूटर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हम छपाने के लिए वाराणसी में बाइक से बिलोंग करते हो, कोई भी चाहिए प्रोडक्ट यामा की, बिल्कुल आप इस डीलरशिप पे आ सकते हैं। चलिए भाई, बिना देरी के डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर भाई पहले बात कर लेते हैं क्या नया मिल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप नोटिस ही कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको LED DRLs पहले यहाँ पे आता था, अब इसको इधर दे दिया गया। और ये काफ़ी ब्राइट भी है भाई, अगर आप देख रहे हैं तो पहले ऊपर हेड पे आता था, अब इधर दे दिया गया। एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, भाई न्यू वाला काफ़ी बढ़िया है। एंड इधर आपको ये सब चीज़ें तो पहले ही से मिल रही थी, टर्न सिग्नल आपको हेलोजन मिल जाती है और यामा की ब्रांडिंग। एंड यहाँ पे आपको ब्लू कोर हाइब्रिड की एक ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि मतलब थोड़ी सी इसकी इफिशेंसीज की वजह से बढ़िया हो जाती है। LED DRLs 125,461 रुपये गाड़ी आपको बिल्कुल ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है। 11 कलर ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाती है, ड्रम डिक्स, एंड उसके बाद जो आती है भाई अपनी टॉप मॉडल स्ट्रीट रैली। और यहाँ पे आपको सभी भाई गार्ड वगैरह आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन रहता है, व्हीकल हैवी भी लगती है। LED सेटअप में हेडलाइट आ जाता है, यामा की इधर ग्राफिक्स मिलेगी। और उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है फ्रंट में, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डिस्क की वजह से व्हीकल की ब्रेकिंग भी बहुत सही हो जाती है। यहाँ पे अलग तरीके का व्हील्स यूज़ किया जाता है, टायर यूज़ किया जाता है, ग्रिपिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया रहता है। 90x90 सेक्शन टायर मिला है यहाँ पे विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, फेंडर अपने को फाइबर का मिलता है, यहाँ पे भी यामा की ग्राफिक्स वगैरह सही है। एंड ये DRL आपको कैसा लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा और भी कोई अपडेट्स नहीं है भाई, और रेड कलर की स्टिचिंग वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया, सीट कवर की क्वालिटी यहाँ पे बहुत सही आपको देखने को मिलती है भाई। और उसी के बाद ये है भाई व्हीकल की ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, यहाँ पे आपको 125 रिजिड आर की ब्रांडिंग मिलेगी, स्ट्रीट रैली की ग्राफिक्स वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे फुटरेस्ट मिलेगी, पियानो ब्लैक ग्रे ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे साइड पैनल अगर आप देखेंगे सब कुछ ऐसा मिलता है, साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों मिल जा रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जॉस्ट मिलता है। और रियर में अगर देख रहे हैं तो भाई 110x90 सेक्शन टायर मिले रियर में, विद 10 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर होता है, यहाँ पे फैन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का एक कवर मिलता है ऊपर यामा की ब्रांडिंग। रियर में अपने को सिंगल इंप्लाइज सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर मिलेगा, ग्रैबरेल हैंडल, प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको इधर गार्ड देखने को मिल जाता है। और रियर में अगर आ जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको रियर में देख रहे हैं तो जो ब्रेक लाइट है वो आपको पूरी हैलोजन मिल जाती है, टर्न सिग्नल में हैलोजन मिलेगी, नंबर प्लेट छोड़ेंगे सेटअप, फेंडर आपको फाइबर का मिलता है, रिफ्लेक्टर्स आपको प्रॉपर मिल जा रहे हैं। गाड़ी रियर से फ्रंट से काफ़ी सही लगती है, थोड़ा सा बल्कीनेस वाला फीलिंग आपको बिल्कुल देखने को मिल जाता है। और रिजर्ट 125 की यही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, गाड़ी दिखने में बहुत अपीरियंस गाड़ी का सही रहता है भाई। ग्रैबर हैंडल मैंने बताई दिया, विमेंस के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट रहती है, सीट आपको बिल्कुल कुशन देखने को मिल जाते हैं, स्पेस भी यहाँ पे आपको ठीक मिलता है, लगेज कैरी करने के होल्डर यहीं से आप अपना भाई सीट वगैरह ओपन कर सकते हैं। एंड मीटर कंसोल आपको पूरा डिजिटल मिलता है, स्पीडोमीटर वगैरह सभी चीज़ मिल जाती है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, इंजन चेक लाइट, हाई बीम लो बीम, इको, टर्न सिग्नल, सभी के इंडिकेशंस मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक बटन देखने को मिलता है, इधर आपको मिल जाता है यामा का लोगो। स्विचेस को देखेंगे तो राइट साइड में मिल जा रहा है भाई अपने को आइडल स्टार्ट का स्विच, टर्न सिग्नल एंड सेल्फ स्टार्ट का स्विच, ये भाई अपना टर्न सिग्नल नहीं है, ये अपना लाइट का स्विच है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं तो इधर आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास का स्विच मिलेगा, टर्न सिग्नल एंड हॉर्न की स्विच मिल जाती है, कुछ ऐसे से यहाँ पे आपको स्विचेस एंड मीटर कंसोल वगैरह देखने को मिल जा रहे थे इसमें भाई। प्राइसिंग मैंने बता ही दिया था, 125,461 रुपये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। एंड लेफ्ट साइड प्रोफाइल देखेंगे कुछ ऐसी लेफ्ट साइड प्रोफाइल है वीमेंस के लिए, अगर थोड़ा सा मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ तो वीमेंस के लिए यहाँ पे आपको फुटरेस्ट दिया गया है और सेल के साथ साथ किक भी ऑफर हो रहा है, डबल स्टैंड है, यहाँ पे आपको रबड़ की पैडिंग साथ फुटरेस्ट मिल रहा है, 125 रिजेडर 125 की ब्रांडिंग मिल जा रही है, बाकी स्पेस वगैरह भी यहाँ पे डिसेंट है, सीट की कुशनिंग भी सही है। सो गाइज, ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब थोड़ा सा भाई बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या डायमेंशन मिलती है एंड क्या यहाँ पे आपको इंजन में पावर एंड टॉर्क मिल जाता है। सबसे पहले इंजन की बात करेंगे तो गाइज, 125cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन मिल जा रहा है इसमें, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 8.04 BHP की मिले 6500 RPM पे एंड 10.3 NM की टॉक मिले 5000 RPM पे। 51 किलोमीटर पर लीटर तक की गाड़ी माइलेज दे देती है, 90 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड आती है। और उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं भाई डायमेंशन की, तो व्हीकल की पूरी लेंथ मिलती है 1880 mm की, 685 mm की वेट, 1190 mm की हाइट, 1280 mm की व्हील बेस, 785 mm की सीट हाइट और 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 99 kg की कर्वेट। तो सबसे पहले अगर वेट में देख रहे हैं, गाड़ी जितना आपको हैवी लगेगी उतनी है नहीं, बिकॉज 99 kg इनफ, मतलब बहुत बढ़िया वेट है।
बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, आराम से इसको आप इजीली चला लेंगे, चाहे मेंस है चाहे वुमेंस की बात करेंगे। 785 mm की सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर के लिए प्रोडक्ट आपकी बहुत बढ़िया रहने वाला है, एकदम सोचने की जरूरत नहीं, ले लीजिए गाड़ी, गाड़ी बहुत सही है। ऐसा नहीं सीट हाइट ज़्यादा है जिससे आपको ट्रबल करना पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उसी के साथ साथ इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, जिससे कि थोड़ा सा गड्ढों वगैरह में जाते हैं तो गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी गाइस डायमेंशन में भी व्हीकल बहुत बढ़िया है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ब्लैक में चाहिए या फिर व्हाइट में चाहिए, ब्लू में चाहिए, कोई भी चाहिए, आराम से आ सकते हैं। सो गाइस ये था इसका डिटेल रिव्यू, वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक करिएगा। सिर्फ न्यू यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएस फीचर्स और एड ऑन हो गए, वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप युवराज यहाँ पे आ सकते हैं, सो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।